मेरा दुख बच्चा है आता है पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी ने। पहले आंगनबाड़ी टूट गया था तो पढ़ने नहीं आता था, डर लगता था गिरने पढ़ने के लिए। तब बढ़िया हो गया तो आता है पढ़ने के लिए, मिलता है पैकेट वाला, टीकाकरण होता है। तो अभी आपका आंगनबाड़ी बन गया है? हाँ बन गया है, तैयार कितने सुविधा हो गया हम लोग के बैठने उठने के लिए, अभी अच्छा हो गया बच्चा के भी हम लोग के भी। आंगनबाड़ी एक सरकारी योजना है जो बाल विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। इस योजना का संचालन के लिए एक अच्छे भवन का होना अनिवार्य है। जिला चतरा प्रखंड इटखोरी पंचायत पितीज ग्राम पितीज के आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या 74 का भवन बहुत ही जर्जर हो गया था, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ मासिक टीकाकरण में भी बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर समुदाय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से एक बैठक कर एक आवेदन बनाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। इस कार्य में मैं भी समुदाय के साथ था। साथ ही साथ समुदाय द्वारा कई बार अपने ग्राम सभा में इसको लेकर चर्चा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप DFT फंड से इस आंगनबाड़ी केंद्र भवन का पुनः निर्माण किया गया। मेरे आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत बहुत ही जर्जर स्थिति में थी, जिसे हमें बहुत काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ रहा था। हमारे यहाँ बच्चे को भेजने के लिए गार्जियन तैयार नहीं रहते थे। हमारे आंगनबाड़ी की स्थिति देखने जिस तरह से था, अब मेरा आंगनबाड़ी बन गया है और बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं, और गर्भवती माता, धात्री माता, छोटे बच्चे, कुपोषित बच्चे सब हमारे यहाँ आते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। अब हमें परेशानी नहीं होती है। हम अपने आंगनबाड़ी को मतलब बनवाने के लिए बहुत प्रयास किए, और अपने विभाग में भी हमने चिट्ठी लिखा, और आपके द्वारा आप भी आए थे एक बार हमारे आंगनबाड़ी में और मीटिंग करवाए थे, और आवेदन लेकर के आप BDO सर को दिए थे। उसके बाद मेरे आंगनबाड़ी में को ठेकेदार के माध्यम से मतलब बनाया गया, और अभी आंगनबाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हमें परेशानी नहीं होती है। ये मेरे गांव का आंगनबाड़ी है और इससे पूरे पूरा जर्जर था। इसका छत से पानी चूरा था और इसका फर्श टूट गया था, दीवार कुछ खराब हो गया था, प्लास्टर खराब हो गया था, बाथरूम नहीं था, किचन नहीं था। लेकिन कुछ ग्रामीणों का नज़र पड़ा, जनप्रतिनिधि नज़र पड़ा, तो हम लोग तो ग्राम सभा में चढ़वाएं, और ग्राम सभा में चढ़ाने के बाद इसका टेंडर हुआ DMFT फंड से। और उसके बाद हम टेंडर डाले, और टेंडर डालने के बाद हमने इस पर कार्य किया, पूरा काम फाइनल कर दिए हैं। 4,22,000 का टेंडर था। हम वो विभाग को धन्यवाद देते हैं, और मुखिया जी के माध्यम से भी बहुत प्रयास रहा, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम आपके द्वारा भी वीडियो बनाया गया, आप भी बहुत प्रयास किए, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र भवन का मरम्मत लगभग 4,22,000 रुपये की लागत से किया गया, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 35 बच्चे के अलावा पोषक क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं को फायदा मिला। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और आप भी बदलाव के लिए समुदाय का हिस्सा बने।